मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 15 जुलाई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 10वां बाब और 15वीं आयत में यूँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाका का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खिदमत गुजारी के काम के लिए भेजा, उनको ज़हनी तौर पर इस बात के लिए भी तैयार किया कि मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इस पैगाम को नहीं सुनेंगे, वो अंजील की तहकीर करेंगे, वो खादमुद्दीन की तहकीर करेंगे। और मसीह खुदा ने कहा कि उनकी सज़ा बहुत ज़्यादा है। कितनी? सदूम और अमूरा की मिसाल देकर खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि वो फिर भी काबिल बर्दाश्त होगा, लेकिन इन लोगों की सज़ा ज़्यादा होगी। जब हम पैदाइश की किताब का 13वां बाब पढ़ते हैं तो हमें पता है कि सदूम और अमूरा के लोग नहायत बदकार और गुनाहगार थे, और जब वहाँ पर फरिश्ते पहुँचे तो उन्होंने फरिश्तों को कबूल ना किया बल्कि उनसे सख्त बदसलूकी की। और हम जानते हैं कि खुदा ने आसमान से आग और गंधक नाजिल की और खुदा ने दोनों शहरों को तबाहो बर्बाद कर दिया, इनका नामो निशान सब हस्ती से मिटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुनाह में ज़िंदगी गुजारी, वो नहायत गुनाहगार हो गए थे। उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं कि अगर ऐसे लोग जो गुनाहगार और बदकार थे और खुदा ने उन्हें ऐसी सज़ा दी, तो उससे कहीं ज़्यादा सज़ा वो लोग पाएंगे जो खुशखबरी को नहीं कबूल करते। इसलिए अजीज भाई और बहनों, हम वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक खुशखबरी को कबूल नहीं किया, ज़रूर है कि वो खुशखबरी पर ईमान ले आएं, खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाहों का इकरार उसके सामने करें और नई ज़िंदगी में चलें ताकि वो सज़ा से बच जाएं। अंजील या उसके खादमों की तहकीर करना ये कतई तौर पर खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए ज़रूर है कि हम हमेशा तालीम पाने के लिए तैयार हों, खुशखबरी को, मसीह की गवाही और मुनादी को हमेशा खुश दिली से कबूल करें और उस पर ईमान लाकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदूस नाम से हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारी फ़िक्र करता है। तू कुदूस और पाक और साहबे करामात है। तू तकद्दस के बायस नहायत जलाली खुदा है। तू दूरों नज़दीक का खुदा है। और हम जानते हैं कि इस वक्त जहाँ जहाँ पर भी जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं, खुदा उन सब के लिए भी मैं तेरे हजूर से बरकत को मांगता हूँ। तू हर जगह मौजूद है, सो खुदा अपने लोगों के साथ हो। आज का दिन हम तेरी फरमा बरदारी में बसर करें। हमें हर तरह की बदी और गुनाह से महफूज रख लें। ऐ खुदा, मेरी दुआ है जो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, कमज़ोर हैं, अबलीस के हाथों, बीमारियों के हाथों दुख उठा रहे हैं, खुदा उनकी मदद कर, उन पर रहम कर और उनको शिफा, सेहत और ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। और मैं ख़ास तौर पर दुआ गो हूँ तमाम इलाकों के लिए जो सैलाबी पानी की जद में हैं, जिनका नुकसान हुआ है। यीशु के नाम से खुदा तू उनकी मदद कर। मुश्किल वक्तों में खुदा तू ही अपने लोगों के साथ हो और उनको बहाल करना। रहम कर और हमारे मुल्क पर रहम कर, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।